मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टार्ट अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज 2.4। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या करना है। देखिए, इसमें फिर से हमें अगेन प्रूव करना है, ठीक है ना। सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात, त्रिघात में समझ में आ रहा, जिसमें डिग्री 3 है। यहाँ पे देख रहे होंगे आप, एक्स की जो पावर है वो 3 है, ठीक है ना। मतलब सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात, तो ये देखिए एक्स की पावर जो 3 है, ठीक है ना। इसका मतलब त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उनकी शून्यक है। मतलब कह रहा है कि ये जो आगे दिया हुआ है संख्या, ये इनके जीरोज है, तो हमें इसको प्रूव करना है, ठीक है। उसके बाद प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए, ठीक है। तो मतलब जैसे हमने वहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किया था कि कुछ फॉर्मूले होते थे जीरोज और हमारे इन पूर्णांकों के बीच में, ठीक है ना। तो उन फॉर्मूले को हमने प्रूव किया था, तो इसी तरीके से यहाँ पे भी करना है। सबसे पहले तो पता करना है जीरो सही है या नहीं। जब ये बात पता हो जाए, उसके बाद हमें इन दोनों के बीच के जो रिलेशन है उसको भी प्रूव करना है, ठीक है। यानी पूरा क्वेश्चन में प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो देखिए, इस इक्वेशन को फिर से हम मैंने नाम दे दिया पी एक्स, पी फॉर ये इक्वेशन हो गया, और एक्स का मतलब हो गया जो ये हमारा इक्वेशन है एक्स की फॉर्म में, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, मैं लिखता हूँ इसलिए पी 1/2। इसका मतलब देखिए क्या होगा, इसका मतलब ये होगा जो भी x है ना, x की जगह पे हम 1/2 पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया 2 इंटू 1/2 टू द पावर 3, ठीक है ना। एक्स की जगह पे रखा है 1/2 और इसकी पावर है 3, प्लस 1/2 टू द पावर 2 माइनस 5 इंटू में एक्स की जगह पे 1/2 प्लस 2, ठीक है। ये हमारे बोला गया 1/2 इसके जीरोज है। जीरोज मतलब क्या, एक्स की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करने पे अगर कंप्लीट इक्वेशन जीरो हो जा रहा, मतलब 1/2 सही है, ठीक है। तो चलिए पूरा सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू इसको कैसे करेंगे, 1/2 टू द पावर 3 का मतलब क्या, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 2 2 4 2 8, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/8, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 1/4 माइनस इसको क्या लिख सकते हैं 5/2 प्लस 2, ठीक है ना। और यहाँ से देख सकते हैं आप, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 2 4 8, तो ये क्या हो गया 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। सबका डिनोमिनेटर इक्वल कर लीजिए, ये देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो आपका 4 आएगा, और 4 को अगर 2 को 4 बनाना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दी। एलसीएम तो लेना आता ही है ना, अब ये छोटी छोटी बातें तो अब समझाना नहीं है मुझे। तो ये क्या हो जाएगा फिर, 1 प्लस 1 माइनस 5 2 10 प्लस 8, टोटल का बॉन्ड में हो जाएगा 4। तो ये कंप्लीट देखिए क्या आ जा रहा है, 1 1 2 और प्लस 8 10 माइनस 10 अपॉन 4, तो ये कितना आ गया 0/4, इट मीन्स कम्प्लीटली आ गया 0, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, 1/2 हमारा सही है, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, पी के जगह पे हमें रखना है, ठीक है। यहाँ पे चाहे तो आप लिख सकते हैं इसलिए 1/2 पी एक्स का शून्यक है, ठीक है। अब देखिए, अब जो नेक्स्ट पार्ट है, अब P1 मतलब x की जगह पे आपको क्या पुट करना है, 1। तो फिर से 2 × 1³ प्लस 1² माइनस 5 × 1 प्लस 2, कंप्लीट क्या हो जाएगा, 2 × 1 प्लस 1 1 1 माइनस 5 1 5 प्लस 2, क्या आ जाएगा टोटल, ठीक है, 2 1 2 तो 2 + 1 3 प्लस 2 5, 5 - 5 अगेन इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिर से आप लिख सकते हैं इसलिए
पी एक्स का शून्यक है, दिख रहा ना आपको, जीरो आ गया। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, माइनस टू, ठीक है ना। अब हम क्या रख देते हैं, अब पी माइनस टू यानी एक्स की जगह हम क्या रखेंगे, माइनस टू। तो इसको क्या करेंगे, टू इंटू माइनस टू टू द पावर थ्री प्लस माइनस टू टू द पावर टू माइनस फाइव इंटू में माइनस टू, ठीक है ना, प्लस टू। तो देखिए क्या आएगा, ये आ गया टू। अब देखिए माइनस टू इंटू माइनस टू इंटू माइनस टू, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो टू टू जो हो गया फोर इंटू माइनस टू, तो क्या आ जाएगा, माइनस एट, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस, और बाकी एक बचा माइनस, तो फिर से प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया माइनस एट। तो ये आ जाएगा आपका माइनस एट प्लस, अब यहाँ पे देखिए माइनस टू इंटू माइनस टू क्या आ जाएगा, प्लस का फोर। अब देखिए यहाँ पे माइनस माइनस प्लस टेन, और यहाँ से क्या आ जाएगा, प्लस का टू। ये आ गया आपका माइनस और प्लस, कितना हो गया, माइनस सिक्सटीन प्लस फोर प्लस टेन माइनस टू। तो कंप्लीट इक्वेशन क्या आ जाएगा, देखिए टेन प्लस फोर फोर्टीन प्लस टू सिक्सटीन, इट मीन्स सिक्सटीन माइनस सिक्सटीन अगेन इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे आप फिर से लिख सकते हैं, इसलिए इसलिए माइनस टू पी एक्स का शून्यक है, ठीक है, ये समझ में आया ना। देखिए शून्यक है, तो ये इसका मतलब जो भी हमारे पास तीनों वैल्यूज था, ये तीनों सही बात है कि ये शून्यक है। अब उसके बाद जैसे कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किया था ना, अल्फा प्लस बीटा, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा, इस तरीके से जो हमारे ये क्यूबिक वाले हैं, इसके भी कुछ फॉर्मूलाज होते हैं। तो चलिए देखते इसमें क्या फॉर्मूलाज होता है। तो देखिए क्या होता है, अब यहाँ पे हम मान लेते हैं क्या, अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू क्या है, वन अपॉन टू, ठीक है, और बीटा इज इक्वल टू हो गया हमारे पास वन, और जो गामा इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस टू, ठीक है। ये तीनों हमारे पास जीरोज है। अब देखिए इन जीरोज के बीच में कुछ रिलेशन होता है, तो रिलेशन देखिए क्या होता है, ये होता है अल्फा यानी ये एक जीरोज, उसके बाद प्लस बीटा यानी दूसरा जीरोस, प्लस गामा इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक अपॉन एक्स क्यूब का गुणांक, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो देखिए अल्फा कितना आया हमारे पास, वन बाय टू, प्लस बीटा कितना है, वन, प्लस गामा कितना है, माइनस टू, और उसके बाद देखिए माइनस एक्स का, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक देखिए ध्यान से, ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर, और इसका गुणांक यानी इसके सामने कितना है, वन है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा बताइए, ये हो गया आपका माइनस वन अपॉन में एक्स क्यूब का गुणांक कितना है, देखिए क्वेश्चन में एक्स क्यूब का गुणांक टू, तो ये हो गया एक्स क्यूब का गुणांक टू, ठीक है ना। तो इधर इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या आ जाएगा, वन बाय टू प्लस वन माइनस टू अपॉन में इसका वो डिनोमिनेटर आप इक्वल कर लीजिए, ये कंप्लीट क्या हो जाएगा, वन प्लस टू वन जो टू माइनस फोर, और ये कम्प्लीटली टोटल अपॉन टू। तो यहाँ से भी आप इसी को यही रख लीजिए, माइनस वन अपॉन टू इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू, ठीक है। और उसके बाद इसको अगर आप सॉल्व कर लेंगे, एक नीचे स्टेप कर लीजिएगा, देखिए क्या आ जाएगा आपका,
ये आ गया 3 और ये आ गया -4, तो यहाँ से भी आ जाएगा -1/2 इज इक्वल टू -1.2। तो आप देख रहे होंगे कि हमें बोला गया था कि जो आपके जीरोस और गुणांक, ठीक है ना, शून्यक और गुणांक के बीच में जो फॉर्मूला है, इस सत्यता को आप प्रूव करिए। तो देखिए, इस साइड में हमने जीरोस की वैल्यू रखा और इस साइड में हमने जो हमने गुणांक की वैल्यू रखा, तो दोनों साइड में सेम आ रहा है, इसका मतलब ये फॉर्मूला हमारा सही है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होता है। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास होता है, ये होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू में अल्फा, ठीक है। ये इंटू मत लगाए, इंटू लगाए चाहे ना लगाए उसके एक ही बात है। और ये इक्वल होता है आपका एक्स का गुणांक अपॉन में एक्स क्यूब का गुणांक, ठीक है ना, समझ में आया। तो फिर से आप यहाँ पे अपनी वैल्यू रखते चले जाइए। अल्फा हो गया आपका 1/2 इंटू में बीटा हो गया 1 प्लस बीटा अगेन हो गया 1 और गामा हो गया आपका -2 प्लस गामा हो गया -2, अल्फा हो गया 1, फिर इज इक्वल टू एक्स का गुणांक। एक्स का गुणांक देखिए कितना था, एक्स का गुणांक है आपके पास -5, ठीक है ना। तो ये हो गया एक्स का गुणांक -5 और एक्स क्यूब का गुणांक कितना था, 2। अब इसको आप पूरा सॉल्व कर लीजिए। ये आ गया आपका 1/2, फिर ये प्लस माइनस माइनस 2 और उसके बाद यहाँ से भी आएगा ये माइनस का 2। उसके बाद अगेन आप कर लीजिए इसको डिनोमिनेटर इक्वल, तो देख क्या आ जाएगा 1 - 2 2 ज़ 4 -2 2 ज़ 4 और ये अपॉन में हो गया 2, ठीक है ना, इज इक्वल टू -5/2। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे अल्फा है हमारे पास 1/2, तो यहाँ से आ जाएगा पर का 2, चलिए इसको क्रॉस मत करिए ऐसे ही रख दीजिए, यहाँ पे हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो ये आ जाएगा आपका -2/2, ठीक है ना। तो ये आएगा आपका 2, ठीक है। अब देखिए आ गया -6 और 1, प्लस का और 6 है माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा -5/2 इज इक्वल टू -5/2। देखिए यहाँ से भी अप्रूव हो गया। देखिए हमें ये कह रहा है क्वेश्चन में कि देखिए ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है, और इस फॉर्मूले को आप प्रूव करके दिखाइए। तो देखिए एक साइड में हमने जीरोस की वैल्यू रखा, दूसरे साइड में गुणांक की वैल्यू रखा, तो दोनों साइड सेम आ रहा है, इसका मतलब ये सत्यता सही है, तो मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व है। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड फॉर्मूला होता है वो देखिए क्या होता है। थर्ड होता है सिंपल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू होता है माइनस अचर पद, अचर मतलब जो लास्ट का कांस्टेंट टर्म होता है, अचर पद अपॉन में एक्स क्यूब का गुणांक, ठीक है। तो अल्फा कितना है हमारे पास 1/2 इंटू बीटा है 1 इंटू में गामा है -2 इज इक्वल टू माइनस अचर पद, अचर क्या है हमारे पास 2 है और यहाँ पे माइनस और एक्स क्यूब भी कितना है 2 है। तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा 2 1 2 1 2 यानी क्या आ जाएगा -2/2 इज इक्वल टू -2/2 या इसको आप ऐसे कह सकते हैं -1 = -1, ठीक है ना। तो यहाँ से भी आपको दिख रहा होगा कि ये सेम आया, तो आप फाइनल आंसर लिख सकते हैं इस प्रकार शून्य को और
गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित हो गया ठीक है। तो ये हो गया आपका कंप्लीटली सॉल्व। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। तो ये देख सकते हैं आप, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, यह है क्वेश्चन। तो इसको हमने फिर से पी एक्स मान लिया है, उसके जीरोज है 211 ठीक है। तो पी एक्स तो हो गया, फिर अगेन देखिए सेम वही प्रोसेस है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। पी टू रख दिया यानी एक्स की जगह पे टू रखना है, तो देखिए एक्स की जगह पे जब टू रखेंगे तो ये हो जाएगा टू, टू ज़ा फोर, टू ज़ा एट, माइनस माइनस में क्या आएगा बताइए। देखिए यहाँ पे टू रखेंगे तो टू टू ज़ा फोर, और फोर फोर ज़ा सिक्सटीन, फिर यहाँ पे आ जाएगा फाइव इंटू टू टेन माइनस टू, तो ये कम्प्लीटली देख कितना जाएगा 18 माइनस 18, ये देखिए 10 एट 18, और ये माइनस माइनस प्लस माइनस का 18, तो इक्वल टू आ गया 0 ठीक है ना। तो उसके बाद यहाँ से आप लिख सकते हैं, इसलिए टू पी एक्स। अब देखिए यहाँ पी एक्स ना लिख के आपको ये पूरा लाइन लिखना पड़ेगा। अब नाम रख दिया तो छोटे में ही काम चल जा रहा है ठीक है, तो इसलिए हम इसको पी एक्स नाम रख दे रहे हैं, ताकि हमको बार बार लंबा चौड़ा लिखना ना पड़े ठीक है ना। ये हो गया आपका शून्यक। उसके बाद देखिए अब क्या करना है आपको, पी वन रखना है। क्या रखना है, पी वन, तो वन रखेंगे तो क्या आ जाएगा, वन 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 जो वन माइनस, फिर यहाँ वन रखेंगे तो वन ही आएगा तो माइनस फोर, और यहाँ से आएगा प्लस का फाइव माइनस टू, तो इक्वल टू अगेन देखिए क्या आ जाएगा, फाइव वन सिक्स माइनस, ये माइनस माइनस प्लस ओके, ये माइनस का सिक्स आएगा इज इक्वल टू, ये भी आगे 0 ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, इसलिए वन पी एक्स का शून्यक है ठीक है ना, वन पी एक्स का शून्यक है। अब उसके बाद देखिए ये तो प्रूव हो गया कि ये शून्यक है, अब दोनों जगह पे वन है तो फिर से इसको करना जरूरी नहीं है। तो अब उसके बाद देखिए, अब जो हमें क्या करना है, इसको अल्फा बीटा वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करना है प्रूव करने के लिए। तो अब हम यहाँ पे मान लेते हैं क्या, देखिए तीन जीरोज़ है यानी अल्फ़ा इज इक्वल टू टू, बीटा इज इक्वल टू वन, और गामा इज इक्वल टू भी है हमारे पास वन ठीक है ना। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक देखें, फॉर्मूला बार बार नहीं लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, एक तो ये माइनस ये वाला, ये माइनस फोर, और वो जो एक्स का गुणांक माइनस, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर का गुणांक अपॉन में एक्स क्यूब का गुणांक, ये हो गया वन ठीक है ना। अब उसके बाद चाहे तो देखिए यहाँ से और फॉर्मूला भी आप बना सकते हैं, क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब माइनस बी बाई ए ठीक है। इसको अगर आप लिख सकते हैं क्या, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस में डी, तो यहाँ से फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा, माइनस बी बाई ए, तो ये वैल्यू रख दिया आपने इतना आ गया। और अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की जगह पे क्या रखेंगे आप, अल्फ़ा हो गया टू, बीटा हो गया वन, गामा भी हो गया वन, तो ये टोटल कितना हो गया फोर। और देखिए ये प्लस फोर बाय वन का मतलब भी यही होता है फोर, तो ये देखिए फोर आ गया, तो ये प्रूव हो गया हमारा ठीक है ना। उसके बाद थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, थर्ड पार्ट होता है अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू में अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स का गुणांक। तो यानी एक्स के गुणांक को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए सी बाई ए ठीक है ना। तो यहाँ से वैल्यू आप पुट कर दीजिए, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा कितना है टू, इंटू बीटा है वन,
बीटा कितना है, 1, गामा भी है 1, उसके बाद हमारे पास जो गामा है वो है 1, अल्फा है 2, इज इक्वल टू सी कितना है। अब देखिए सी सी वहाँ पे तो कांस्टेंट टर्म होता था, लेकिन यहाँ पे सी कांस्टेंट नहीं होगा, यहाँ पे एक टर्म और बढ़ गया, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है डी, तो यहाँ पे सी का मतलब एक्स के साथ वाला, और वहाँ पे एक्स के साथ वाला बी होता था, है ना। तो इससे आप कन्फ्यूज़ मत होना, यहाँ पे एक टर्म बढ़ जाता है, तो यहाँ पे सी कौन हो गया 5, तो सी की जगह पे आप रख दीजिए 5 अपॉन ए, क्या है ये है हमारा 1, तो ये टोटल कितना हो गया, 2 वन ज़ा 2 प्लस 1 वन ज़ा 1 प्लस 2 वन ज़ा 2, टोटल हो गया 5। तो फिर अगेन यहाँ पे देखिए अपॉन में 1 लगा है तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो ये भी प्रूव्ड हो गया, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट होता है हमारे पास कौन सा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू क्या होता है, बताइए, ये होता है माइनस डी बाई ए। तो अल्फा कितना है हमारे पास, 2 इंटू बीटा है 1, इंटू में गामा भी है 1, और डी माइनस का, तो ये माइनस तो हमारे पास ये रहा, एक माइनस तो ये माइनस, और डी की वैल्यू है -2, तो अपॉन में ए कितना है, ए है हमारे पास 1, तो देखिए कितना हो गया ये 2 इज इक्वल टू माइनस प्लस हो जाएगा, अपॉन में 1, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो ये भी आपका हो गया प्रूफ, ठीक है ना। देखो बहुत इजी है, सेम वही पैटर्न है, बस यहाँ पे केवल एक टर्म बढ़ गया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे, तो चलिए ठीक है, अगर अच्छे लग रहे होंगे तो आप लाइक करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ उनकी हेल्प के लिए उनको भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी घर बैठ के ही बिना किसी खर्चे में अपनी पढ़ाई का आनंद ले सके, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता ही है ऑनलाइन कितना बेनिफिट होता है, आप घर बैठ के ही कभी भी कहीं पे भी पढ़ सकते हैं, आपको घूमने का मन कर रहा है चलिए आराम से पार्क में बैठ के पढ़ सकते हैं, तो इन सारे फ़ायदाओं का आप इस्तेमाल कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी ज़िंदगी में अच्छे से आगे बढ़े, ठीक है। तो चलिए फिर, बाय बाय, हैव अ गुड डे, फिर मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।